ओए ये आपको पीछे आवाजें आ रही है इसमें, ये देखें कमाल सुभान अल्लाह यार इनका। ओए होए होए टक्कर मार दूंगा। ये जो चिकन के रेशे रेशे करते हैं ना ये कमाल है। ये आ गई उठे बस होए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपर ली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो। वंस अगेन की वीडियो जो है मैं घर से स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी हम जा रहे हैं नाश्ता तो नहीं करने क्योंकि डेफिनेटली नाश्ते का टाइम नहीं है। अभी हम जा रहे हैं लंच करने, दोपहर का टाइम हो रहा है, हम लंच करने जा रहे हैं। इरादा ये है हमारा कि हम जाएंगे यहाँ से सीधा फाइव स्टार नान शॉप के ऊपर, वहाँ से हम लेंगे नान और उनका फेमस जो नान है वो कीमे वाला नान है, वो नान ट्राई करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे एक जावा कढ़ाई मिलती है, जावा कढ़ाई बहुत पुरानी है, तकरीबन 1978 से वो लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनसे ना उनकी देसी घी वाली कढ़ाई मशहूर है। देसी घी में चिकन कढ़ाई होती है और एक वाइट कढ़ाई होती है उनकी, वो भी ट्राई करेंगे और वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलो पहले चलते हैं जावा कढ़ाई पे, तो पहले चलते हैं फाइव स्टार नान शॉप पे, उसके बाद हम चलेंगे जावा कढ़ाई पे और उसके बाद जहाँ पे जो जो होता रहेगा ना मैं आपको दिखाता रहूँगा। लोकेशन जो है मैं आपको वहाँ पहुँच के समझा दूँगा और बाकी जो मजीद बातें होंगी ना वो फिर हम वॉइस ओवर पर करेंगे इंशाल्लाह। यार सबसे पहले जो है ना गाड़ी जो कि बहुत गंदी हो रही है, इसलिए हमने कहा कहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता यार, साका मुबीन तले उतरे थे गड्डी गंदी हुए थे, इसलिए पहले तो लुवा लेते गाड़ी को, गाड़ी को धुलवा के फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। तो अब वॉश होगी गाड़ी के अंदर से बैठ के, वॉश कराने का कैसे नज़ारे होते हैं मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये आपको पीछे आवाजें आ रही है इसमें, ये देखें वाओ। अच्छा अभी हम आ गए फाइव स्टार नान शॉप पे, ये जो लोकेशन है इसकी आपको पहले समझा दूँ और उसके बाद बाकी जो बातें हैं वॉइस ओवर पे करते हैं। चलो फाइव स्टार के बारे में बात करने से पहले आपको हुमायूं गुजर के बारे में जानना होगा। क्या आप जानते हैं हुमायूं गुजर कौन है? मुझे भी नहीं पता था। हुमायूं गुजर की दूध की दुकान फाइव स्टार नान शॉप के बिल्कुल साथ मौजूद है, इससे ज्यादा मुझे भी नहीं पता और इतना जानना काफी है। 38 साल पहले इस दुकान पे शायद इतना रश नहीं था, ना ही लोगों को इसके टेस्ट के बारे में पता था, लेकिन गुजरते वक्त और ढलते हुए सूरज के साथ इनका उरूज आया और आज इनके पास तरह तरह के नान मौजूद है जिनमें सर फहरिस्त है चिकन चीज नान, चिकन नान और बीफ कीमे वाला नान। कुछ लोगों के मुताबिक इनको चिकन नान में चिकन के रेशे करके नहीं डालना चाहिए। आप आगे बना लिया करो। सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक यहाँ पे आपको नान मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले खत्म होता है इनका चिकन नान और मेरी बात की गवाही देंगे ये लोग जो यहाँ धड़ाधड़ आ रहे होते हैं। कोई ऐसे आता है जैसे ट्यूशन वाली बाजी के लिए नान लेने आया हो और कोई ऐसे जैसे अभी कॉलेज से फुटा लगा के आया हो। कोई बीवी की जली कटी सुनते हुए ऑर्डर देता है तो कोई ऑर्डर देने के लिए अपने कीमती फल भी बाइक पे छोड़ जाता है। इसको खाने की बात करें तो लोग इस कदर दीवानावार खाते हैं कि ट्रैफिक का बैकग्राउंड साउंड भी उनको डिस्टर्ब नहीं करता। आउटडोर टेबल ना मिले तो बाइक को ही टेबल बना लेते हैं और कुछ मम्मी डैडी और अपनी तरफ से पढ़े लिखे गाड़ी में बैठ के एंजॉय करते हैं, लेकिन एक मसला है इतनी ग्रेवी नहीं मिलती और नान की ग्रेवी ना मिलने के बाद ऐसे मुंह लटका होता है। और नान की ग्रेवी कैसे हो सकती है? बातें हो गई हैं बहुत, अब चल के नान खाते हैं। इनके पास ना बैठने की जगह थोड़ी ऊपर है, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था तो मैंने कहा गाड़ी में खा लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको सारी कहानी सुना दी और मैंने आपको बताया था कि बस दो नान इनके बहुत ज़्यादा फेमस है, एक इनका बीफ कीमे वाला नान और दूसरा इनका चिकन चीज़ वाला नान। तो भाई ये जो है ना हमने इनका चिकन चीज़ वाला नान ले लिया है। ये नान तो ये किसी एंगल से लग ही नहीं रहा। अच्छा एक इनका चिकन कीमे वाला नान भी है, जो इनका चिकन कीमे वाला नान है ना वो भी बहुत मज़े का, मैंने खाया भाई, ये एक नई चीज़ आ गई मेरे सामने। एनी वेज तो गर्म ही बहुत है यार ये। ओए होए 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 यार ये बड़े हैवी वाले सीन लग रहा है माशाल्लाह, ऊपर से गर्म बहुत है ये ना नान कम लग रहा है और पिज़्ज़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन है इंशाल्लाह मज़े का। लो जी इसकी पहली बाइट लेते हैं, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्ला, इसको आप दीदार कर लो ज़रा एक दफ़ा, ये देखो ज़रा माशाल्लाह से कितना खूबसूरत नान है माशाल्लाह। हाँ चढ़ गया, बिस्मिल्लाह कमाल सुभान अल्लाह यार इनका। ओए होए होए बहुत मज़े का नान है यार। इसमें जो चीज़ आया हुआ ना वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, मतलब चीज़ एक एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन जो असल फ्लेवर है ना इनके जो चिकन नान का है वो इसके अंदर मौजूद है। अगर आप इनका चीज़ वाला नान नहीं लेते ना, सिंपल नान भी लेते हैं तो वो भी आपको बहुत मज़े का लगेगा। मेरा दिल कर रहा है मैं वो भी एक मंगवा लूँ, मतलब मेरे को पहम हो गए ना, कोई बात नहीं फिर सही चला, अल्लाह हालात बदले करो तो तब ले लेंगे इंशाल्लाह। ये अभी जो है ना फिलहाल ये कि बहुत मज़े का, मैं आपको अंदर से टेक्सचर दिखाऊँ थोड़ा सा, क्योंकि अंदर से दार करना बहुत ज़रूरी है इसका। ये देखो ये फीलिंग है, ओए होए 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 स्वाद ख़त्म। मैं कहता हूँ ये जो चिकन के रेशे रेशे करते हैं ना ये कमाल है। अच्छा चिकन नान के बारे में ना कुछ लोग ये कहते हैं कि चिकन नान के अंदर ना चिकन के रेशे नहीं होने चाहिए, चिकन का कीमा होना चाहिए। भाई चिकन का जो कीमा है ना उसका कोई फ्लेवर नहीं होता,
चिकन के रेशे में वही फ्लेवर होता है, कीमा बीफ का समझ में आता है। इवन कि अगर आप बीफ का भी कीमा जो अगर आप मशीन से कीमा करते हैं, एक आप जो हाथ का कीमा होता है और एक होता है उसको उसको फुल उबाल के और रेशे रेशे कर दो उसके जो जो शामी कबाब वाला कीमा होता है उसका फ्लेवर ज़्यादा होता है कीमे की नस्बत। तो इसमें भी चिकन में भी रेशों का जो फ्लेवर है ना वो ज़्यादा होता है कीमे की नस्बत। तो मेरा मानना यह है कि अगर चिकन का नान है तो चिकन का जो कीमा है वो रेशे वाला ही होना चाहिए, छोटी छोटी निकी 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 बोटियाँ होनी चाहिए। इसके इसको हम सिंपल खाएंगे क्योंकि इसमें कोई अगर हम साथ रायता या कोई लगाएंगे, हाँ अगर इसके साथ कोई मायो होती, कोई गार्लिक सॉस होती, कोई सावर क्रीम होती तो उसका अपना मज़ा आता, लेकिन रायता साथ मिल रहा है तो रायते का इसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा नहीं। इसको हम सिंपल खाते हैं। अगला जो है ना बीफ की मेरा नान जो है ना वो रायते में डिप करके ट्राई करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो चीज़ वाला नाना है ठीक है अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे ज़्यादा तौर पर पसंद है ना वो इनका प्लेन चिकन वाला नाना है। चीज़ वाला नान ना थोड़ी सी वो एक छोटा मिनी नान टाइप कम्पैक्ट नान की लुक दे रहा है, लेकिन वो नान वाली वाइब से बाहर आ चुका है। तो जो नान की अगर आपको फीलिंग लेनी है ना एक्चुअल फीलिंग, जो कुलचा नान जो होता है उसमें जो चिकन वाला नान है इनका, वो उनका बहुत कमाल का है। वो ट्राई किया मुझे अरसा हो गया, अब मैं इस टाइम ये मंगवा चुका हूँ तो मैंने कहा यार चुके कह रहे हैं वो चलता है तो मैंने मंगवा लिया। और एक बात आपको मैं बता दूँ, अभी मुझे सबसे ज़्यादा ना आपके कमेंट्स भी आते हैं, काफ़ी सारे आते हैं और मुझे कमेंट्स कुछ अच्छे भी लगते हैं, कुछ मुझे जो है ना उन पर बहुत हंसी भी आती है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे हंसी आती है ना वो इस कमेंट के ऊपर आती है जो इसके नीचे लिखा होगा ना, इस वीडियो के नीचे भी लिखाएगा पेड ब्लॉग, उसके मुझे बहुत हंसी आती है। यार ये देखो ये है इनका कीमे वाला नान, वही मुझे लगता है बाहर से भी कीमा ही होगा। अच्छा ये कैसा है पता नहीं, ये कह तो रहे थे कि बहुत अच्छा है लेकिन कुछ चेक कर लेते हैं। चिकन कीमे वाला नान है? नहीं, बीफ कीमे वाला नान है। ओके तो ये इनका बीफ कीमे वाला नान, इसको सिंपल यहाँ ट्राई करते हैं, पहले सिंपल फिर इसकी बनाएंगे हम ऑप्टिमम बाइट। अच्छा एक चीज़ में समझ आई, कीमा इतना मतलब जो बीफ का कीमा होता है वो थोड़ा रेड होता है, ये थोड़ा सा ना मतलब ब्राउन है, मतलब पिंकिश कम है, लेकिन है बीफी बीफी है, टेंशन नहीं बीफी है। नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट ऑफ दिस कीमे वाला नान। ये जो है ना ये यहाँ से खाता आएगा देखना जरा, ये देखी जाओ ये आएगा पहले अदरक के, ये आ गई उठे बस है। ये ऑप्टिमम बाइट भाई रायते के साथ, बिस्मिल्लाह। शादियों वाली वाइब आ रही है, शादियों में जो मिलता है ना कीमे वाला नान और साथ में दही वाला रायता पुदीने का रायता, वो वाली वाइब आ रही है। मेरा इनका जो चिकन नान है ना वो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मैं दोबारा भी ट्राई करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन कीमे वाले नान से बेहतर इनका चिकन चीज़ नान है जो मैंने अभी दोनों ट्राई किए हैं। अभी जो है अब अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा अभी जो है ना हम आ गए हैं बिल्कुल बसंत टाउन मोड़ के पास वाली साइड है, ये जो ऊपर ब्रिज है अगर आपने शमा वाली साइड से आप आएंगे तो आपने नहर वाला जो ब्रिज है उसके नीचे से आपने वापस आना है। आपने जो पहले पुल के ऊपर चढ़ने से पहले ये वाला यूटर्न ना वो नहीं लेना, पुल के ऊपर आपने नहीं चढ़ना, आपने बसंत टाउन की तरफ चले जाना है और यूटर्न लेके आपने वापस फिरोजपुर रोड पर आना है। जैसे आप आगे आएंगे आपके लेफ्ट साइड पर एक कॉर्नर के ऊपर ये पॉइंट है जावा देसी। अच्छा मुझे इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है सारे की सारी, इसके बारे में जितनी भी कहानी है इसका बैकग्राउंड है सारे की सारा मैं आपको वॉइस ओवर में सुना। जावा कढ़ाई की शुरुआत होती है 1978 में शाहबाग के नवाही इलाके वसनपुरा से। कौन सा पुरा? वसनपुरा, जहाँ पे ये जावा ब्रोस के नाम से मशहूर हुआ। 2005 में मुस्लिम टाउन मोड़ के करीब लाहौर के मसरूफ तरीन फिरोजपुर रोड पे इन्होंने अपनी ब्रांच ओपन की। इनका दावा है कि इनकी कढ़ाई देसी घी में होती है और इनके रेट मार्केट से कम है। गूगल रिव्यूज के मुताबिक इनकी व्हाइट चिकन कढ़ाई बहुत कमाल की है, तो हम भी इनसे वही ऑर्डर करेंगे, लेकिन बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे मौजूद अली भाई का स्टाइल थोड़ा दबंग है क्योंकि इनके बकौल और एनी शाहिदीन के मुताबिक इनका पैदाइशी इलाका झंग है। लेट्स हैव सम दबंग शोना। सारा इनका सेटअप है, ये जावा कढ़ाई सिर्फ देसी घी में और नीचे जो है नीचे भी सेटिंग है इनके पास और यहाँ पे जो है ना इनका सारा सेटअप चला, यहाँ पर कढ़ाइयाँ लगती हैं इनके पास। ये सारे का सारा निज़ाम जो है ना ये सारा, पहले इसको प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाने के बाद वहाँ ऊपर जो है यहाँ पे ऊपर जो है ना यहाँ पे फिर इस कढ़ाई को रेडी करते हैं।
अच्छा यार, इनकी जो ना हमने वाइट वाली इनकी कढ़ाई करवाई है, वाइट देसी घी में, तो इसकी जो खुशबू इसे मारे जब ये बन भी उस टाइम भी और अभी भी इसकी जो खुशबू आ रही है बड़ी कमाल की आ रही है ये जो ना। और दूसरी बात है कि इनके जो नान है ना ये बड़े स्पेशल नान है, इसे मैंने पूछा था तो ये बता रहे कि स्पेशल नान जो ना रोगी नान ये बड़े स्पेशल होते हो यार, ये देखो बड़ा कमाल का नान है यार। इसको पहले ना सिंपल ट्राई करते हैं फिर इसकी कॉपी में बाइट बनाएंगे। चला खुशबू जो इसकी ग्रेवी है ना यार बहुत ज़्यादा एपेटाइजिंग, बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही मुझे ये देखो। अच्छा इसको खाने का ना, कढ़ाई जब भी आपने खानी हो ना तो आपने कढ़ाई को कढ़ाई के अंदर ही खाना है, कढ़ाई आपने प्लेटों में डाल के नहीं खानी, ये बात याद रखें। उसकी वजह यह है कि जो कढ़ाई पकड़ी होती है ना तो जो नीचे इसके जो जहाँ से लगी होती है ना इसका जो सरफेस होता है वहाँ से जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत बहुत कमाल का होता है। ये यहाँ से जो फ्लेवर आएगा ये देखो ये, और फिर ना ये गर्म भी ज़्यादा रहती है, ज़्यादा देर गर्म रहती है आपको खाने का मज़ा आता रहता है इसको। ये इसकी पहली बार ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह। इसमें ना हल्की सी मिठास है, इसकी वजह यह है कि इसमें ना प्याज है, और कढ़ाई बनाने का जो ऑथेंटिक तरीका है ना, जो ऑथेंटिक मतलब जो कराची में सिंध में पेशावर में चलता है उसमें कढ़ाई के अंदर प्याज नहीं डलता। कढ़ाई को सिंपल आप फ्राई करते हो, गोश्त को फ्राई करते हो, फिर ऊपर टमाटर आते हैं, दही आता है, मिर्ची आती है, ये कढ़ाई होती है। लाहौर के अंदर बट कढ़ाई ने ये ट्रेंड सेट किया हुआ है कि आप उसके अंदर वो पहले प्याज की ग्रेवी बनाते हैं, उसके बाद प्रेशर लगाते हैं उसको, प्रेशर लगाने के बाद 5 मिनट में कढ़ाई तैयार हो जाती है। इसको जो है लाहौरी स्टाइल वाली कढ़ाई कहते हैं, ये ऑथेंटिक कढ़ाई वाला स्टाइल नहीं है, लेकिन उसके साथ अगर देखा जाए इसमें हल्की सी मिठास है क्योंकि इसमें क्रीम भी डली हुई है और इसमें प्याज भी डला हुआ है। बाकी चिकन चेक कर रहे थे क्योंकि चिकन डेफिनेटली गला होगा क्योंकि प्रेशर लगा हुआ उसको और डेफिनेटली गला होगा, लेकिन ओवरऑल जो फ्लेवर आ रहा है वो बहुत कमाल का आ रहा है। बस एक बात आपने ख्याल रखना है, हल्की सी मिठास है। इस जगह पे आने से पहले मैंने इसके सारे रिव्यूज़ वगैरह चेक किए थे जो ऑनलाइन आप अवेलेबल थे, खासतौर पर जो गूगल पे रिव्यूज़ थे ना वो सारे मैंने चेक करके उसके बाद ही मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे समझ आ गया कि ये किस तरह के लोगों को ये चीज़ पसंद आती है। माशाल्लाह मज़े की है। तो जी ये चिकन, ये चूँकि ये प्रेशर लगा हुआ मैं जैसे पहले बता रहा हूँ तो ये प्रॉपर गली भी है, ये देखो ये चिकन फुल गला हुआ है इसका। ये थोड़ी सी ग्रेवी, ये जूलियन कट वाली हरी मिर्च, कढ़ाई मज़े की है, डेफिनेटली मज़े की है, लेकिन इसमें जो इसके मज़े को दुबाला करने वाली जो चीज़ें हैं ना वो दो हैं, एक तो चिकन का गला होना, दूसरा देसी घी में बनी हुई है, उसका सारे का सारा जो फ्लेवर है ना वो सारा देसी घी वैसे है, उस वजह से कमाल किया। नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट ऑफ दिस कढ़ाई। लो जी यहाँ से हम लेंगे थोड़ा सा चिकन, ये बोटी आ गई, इसका थोड़ी सी ग्रेवी लगाएंगे, ग्रेवी आ गई, उसे बैठे थोड़ा सा सैलड, चुकंदर ही आ गया, थोड़ा सा प्याज, इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा लीमू और इसे करके, और इसके ऊपर आएगा रायता, जीरे वाला रायता। दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ जावा कढ़ाई की देसी घी वाली वाइट कढ़ाई। उस्ताद कमाल, बहुत आला। पूरी बाइट के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो था ना वो देसी घी का ही था। अब देसी घी ओरिजिनल है या नहीं ये मुझे नहीं पता, खुशबू वाला है या ओरिजिनल वाला है ये तो खैर जो लोग पका रहे हैं यहाँ पे उनको पता होगा। इनकी मेन ब्रांच है जो कि मेरी नानी के घर के पास है, बसनपुरा नाखोदा चौक के पास, तो वहाँ से इनकी जो है ना मैं मटन फ्राई कभी उधर गया चला तो वहाँ से वो ट्राई करूँगा। फिलहाल चिकन के लिए दिस इज़ ओके, एंड थैंक यू अदील इकबाल भाई फॉर रिकमेंडिंग दिस प्लेस। मैं यहाँ पे स्पेशल उनकी रिकमेंडेशन में आया हूँ। पैसे पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आपसे गपशप होती है, मुलाकात होती है, लाइव जाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर और बहुत कुछ आता है, और बहुत कुछ फूड से हट के भी अगर आप कुछ देखना चाह रहे हैं तो सब कुछ आता है इंस्टाग्राम के ऊपर। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।